गुरुग्राम से बड़ी खबर है, जहां भ्रष्टाचार के आरोप में तहसीलदार समेत दो गिरफ्तार हो गए हैं। ये बड़ी खबर, सरकार को 2,27,00,000 रुपए से ज्यादा का चूना लगाने का ये मामला है। अवैध रूप से रजिस्ट्री करके सरकार को चूना लगा रहे थे, सरकार को चपत लगा रहे थे। औद्योगिक भूमि को कृषि भूमि दिखा करके रजिस्ट्री करने का मामला, और अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तहसीलदार समेत दो गिरफ्तार हुए, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से कार्रवाई की गई है, और सरकार को 2,27,00,000 रुपए से भी ज्यादा की चपत इन्होंने लगाई। अवैध रूप से रजिस्ट्री कर रहे थे, औद्योगिक भूमि को कृषि भूमि दिखा करके रजिस्ट्री कर दी थी। इस मामले में भी बड़ी कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार के आरोप में तहसीलदार समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध रूप से रजिस्ट्री का यह मामला है, सरकार को करोड़ों की चपत लगाई गई, औद्योगिक भूमि को कृषि भूमि दिखा करके रजिस्ट्री कर दी गई। भ्रष्टाचार के आरोप में तहसीलदार समेत दो लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार को 2,27,00,000 रुपए का चूना लगाने का मामला, अवैध रूप से रजिस्ट्री की जा रही थी, औद्योगिक जमीन को कमर्शियल जमीन को एग्रीकल्चरल रेंट दिखा करके उसकी रजिस्ट्री कर दी गई थी। सरकार को 2,27,00,000 से भी ज्यादा का चूना लगाया गया, और अब इस मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से एक तहसीलदार भी। औद्योगिक भूमि को कृषि भूमि दिखा करके रजिस्ट्री की गई थी। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ पूरी जानकारी, किस तरह से कार्रवाई की गई? संजय, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। संजय, ये जो तहसीलदार और तहसीलदार समेत दो लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, वो क्या कुछ पूरा मामला? जितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरुग्राम के राजेश्वर को चूना लगाने वाले एक तहसीलदार और एक अन्य उसके साथी को कल विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया, और उसको आज कोर्ट में पेश कर आपको के पीछे भेजा जाएगा। तो वहीं पर मैं बात करूं, करीबन 2,27,00,000 रुपए का हरियाणा सरकार के राजस्व में कहीं ना कहीं जो है चूना लगाया गया था। गुरुग्राम के दौलताबाद गाँव की औद्योगिक जो भूमि थी, उसको कहीं ना कहीं उपजाऊ भूमि दिखाकर, एग्रीकल्चर लैंड दिखाकर उसकी रजिस्ट्री की गई थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो इसकी शिकायत है विजिलेंस को दी गई, और विजिलेंस ने कल दोपहर 3:30 बजे तहसीलदार सहित एक अन्य को गिरफ्तार कर उनसे जांच में जुट गई, और कहीं ना कहीं भिन्न भिन्न धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज कर दिया। करीबन आधा दर्जन से अधिक जो धाराएं हैं उनके तहत अब मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। जी चले, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो भ्रष्टाचार के आरोप में तहसीलदार समेत दो लोगों की यहां पर गिरफ्तारी हुई है। सरकार को 2,27,00,000 रुपए से भी ज्यादा का चूना लगाया गया है।